हेलो दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों, आज अपने पास आया एक्टिवा का पैनल 125 है, जो सारा पैनल नया है, जिसको अपन 600 नंबर वाटर पेपर से घिसाई करके रखे हैं। तो इसको अपन अब बेस लगाएंगे। तो अपना एक कोट बेस चढ़ा रहे हैं, उस दिन हम लोग जो हेडफोन लेने गए थे ना, तो इसके बाद इसको बेस मारने के बाद फिर इसको अपन सूखने के लिए छोड़ेंगे 15-20 मिनट। तो अभी तो फिलहाल इसमें बेस लगा रहे हैं। एक कोट नया पैनल है, ये 125 का है, 125 सीसी BS6 है, उसी के सारा पैनल नया है। तो अभी इसको अपन बेस तो मार रहे हैं, आप देख सकते हो। तो ये अपना बेस का काम चलिए रहा है अभी। क्योंकि बेस में मारने में थोड़ा समय लगता है काफ़ी, क्योंकि पैनल बहुत सारा है। नहीं बना किया है मैंने। तो ये बॉडी क्लिक है और ये मडगार्ड है। इसमें मडगार्ड दो गाड़ी का है, एक BS6 का है, 6G का एक मडगार्ड है, वो भी ब्लू होगा और इससे थोड़ा सा अलग ब्लू होगा। तो लगभग बेस का काम ख़त्म होने वाला है। तो ये अपना बेस का काम ख़त्म हो चुका है। अब इसको 600 नंबर वाटर पेपर से घिसाई कर रहे हैं, और घिसाई करके साथ ही साथ इसको पोंछ के रख रहे हैं, ताकि कि थोड़ा धूप पड़ेगा तो पानी जो है सूख जाएगा, फिर इसमें फाइनल कलर चढ़ाएंगे। ये अपना फाइनल कलर लगा रहे हैं इसमें, अब देख सकते हो। इसके बाद फिर इसमें अपन क्लियर हार्डनर चढ़ाएंगे एक कोट। तो ये लगभग अपना कलर का काम चल रहा है। कलर में क्या है, थोड़ा समय लगता है कलर का काम में, तो इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। तो ये अपना कलर फाइनल हो चुका है, अब इसमें अपन क्लियर कोट चढ़ा रहे हैं। तो ये अपना एक एक पीस करके क्लियर कोट मार रहे हैं इसमें, क्योंकि पैनल बहुत सारा है तो काफ़ी समय लगेगा अभी इसमें थोड़ा। इसको मार मार के अपन छैया जगह में रख रहे हैं, ताकि कि ये सूखेगा। अंदर में इसको रख रहे हैं अपन चेम्बर के अंदर, ताकि वहाँ मारने के बाद फिर उसको वहाँ पे 3-4 घंटा छोड़ देंगे सूखने के लिए। सूख जाएगा फिर उसको डिलीवरी देंगे। तो ये बॉडी क्लिक को भी मार रहे हैं अपन क्लियर कोट। तो ये लगभग बॉडी क्लिक को मार के छोड़ दिया। क्या है, थोड़ा सा कोना में एक जगह में थोड़ा ज़्यादा मरा गया है, तो उसी को थोड़ा सा एक जगह लटक गया है, तो उसी को 2-3 बार क्लियर मारने से क्या होगा कि वो नीचे आ जाएगा। तो ये अपना उसको थोड़ा थोड़ा करके मार के उसको नीचे तरफ ला रहे हैं, ताकि वो
पीस ख़राब ना हो। तो ये लगभग अपना फाइनल हो चुका है, क्लियर कोट का काम फाइनल हो चुका है। ये आप देख सकते हो ये सूख रहा है, यहाँ पे इतना सारा पीस है। इसमें दो गाड़ी का है, एक गाड़ी का ये आउटर पैनल फुटबोर्ड पट्टी अलग है और बाकी एक गाड़ी का ये 7 पीस है। तो दोस्तों मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ।